लेना, ये नाम तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा शत्रु है। सभी अपना कहा। बाईस में प्रहलाद कहने लगे, मैया तुम अपने हाथ से जहर घोल करके मुझे दे दीजिए। मैया समझाने लगी, ये बेटा ये नाम छोड़ दो। लेकिन प्रहलाद कहने लगे, मैया मैं पिता का नाम नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरे पिता नकली है, असली परम पिता परमात्मा है जिसने मुझे जन्म दिया है, मैं उसका नाम कभी नहीं भूलूंगा। मैया ने समझाया, मैया ने जहर का प्याला घोल करके बेटा प्रहलाद के हाथ में दे दिया। अरे मेरे भक्त श्रोताओं, प्रहलाद ने जहर का प्याला हाथ में ले लिया और उस प्याले को लेकर के मुंह से लगाया है, भगवान का नाम लिया है। हुआ और एक पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया, तेरी भोली सूरत ने हमें पागल बना दिया। वो पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया, तेरी भोली सूरत ने हमें पागल बना दिया, वो तेरी भोली सूरत ने हमें पागल बना दिया। प्रहलाद भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे हैं, भक्ति में लीन हो गए। उसी समय प्रहलाद ने भगवान कृष्ण का नाम लिया तो उसी वक्त भगवान कन्हैया ने जहर के प्याले को अमृत बना दिया है और प्रहलाद गट गट करके पी गए। पिता के पास पहुंचे हैं, पिताजी राम राम। प्रहलाद ने जैसे ही राम राम किया, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को देखा, कहने लगा, रे दुष्ट, इसका मतलब है कि मेरी पत्नी ने हमसे झूठ बोल दिया, उसे जहर नहीं दिया है। मंत्री को साथ लेकर के पहुंचे और पत्नी से कहने लगे, क्या तुमने जहर नहीं दिया? भैया कहने लगी, हाँ जहर दिया, अगर विश्वास ना हो तो तुम अपने मंत्री से दिला दीजिए। और मंत्री से दिलाया है माता विनो, तो एक बूंद जहर पड़ा था प्याले में और जैसे उस मंत्री ने कटोरी को लगाया, प्याला लगाया, तैसे मंत्री के गोविंद नमा कश्यप को विश्वास हो गया। उसी समय एकदम जल्लादों से कहा, जल्लादों अरे इसे ले जाओ पहाड़ों से फुकवा दो। बेटा प्रहलाद को पहाड़ों से फुकवा दिया है, वहां से भी लौट करके आ गए, जरा भी मन में भय नहीं था, जरा भी। वही प्रभु की रतन, वही प्रभु की लगन, लौट करके आई है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, हाथ में पकड़ करके और ले